नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आखिरी चरण का मतदान हुआ संपन्न, इतने प्रतिशत लोगों ने डाले वोट। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को मिलेगा 15,000 करोड़ रुपए। हाई स्कूल प्लस टू में नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों को अभी और करना होगा इंतजार। जनता दरबार में एक और फरियादी की फरियाद सुनकर हैरान हुए सीएम नीतीश। न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ही प्रदेश में बढ़ी ठंड। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारत का खत्म हुआ 21 साल का सूखा। 21 सालों के लंबे इंतजार के बाद मिस यूनिवर्स खिताब का सूखा भारत का खत्म हुआ, जिसके तहत भारत के चंडीगढ़ की हरनाज संधू मिस यूनिवर्स बन गई हैं। इससे पहले साल 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब अपने नाम किया था। तब से भारत इस खिताब का हर साल इंतजार कर रहा था, जिसके बाद अब जाकर सीधा 21 सालों के बाद ये सूखा खत्म हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि फाइनल में पहुंची हरनाज ने 78 देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़ा है। यह प्रतियोगिता इसराइल में आयोजित हुई थी। आपको बता दें कि हरनाज संधू ने हाल ही में मिस डीवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब भी अपने नाम किया था। इसके बाद से ही उन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जीतने के लिए जी जान से मेहनत शुरू कर दी थी। आखिरी चरण का मतदान हुआ संपन्न, इतने प्रतिशत लोगों ने डाले वोट। बिहार पंचायत चुनाव का आखिरी चरण का अंतिम चरण बीते दिन खत्म हो गया है, जिसके तहत प्रदेश के 38 प्रखंडों के 560 पंचायतों में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मिली जानकारी के अनुसार अंतिम चरण में कुल 62.81% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चरण में भी महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। 59.98% पुरुष जबकि 65.65% महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सबसे अधिक 71% मतदान पश्चिम चंपारण में हुआ। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही ये भी बताया है कि मतदान शांतिपूर्ण हुआ। कुशेश्वर स्थान में एक बूथ पर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद दोबारा चुनाव का आदेश दिया गया था। जनता दरबार में एक फरियादी की फरियाद सुनकर हैरान हुए सीएम नीतीश। सीएम नीतीश हर सोमवार की भांति सोमवार भी जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। इसी कड़ी में एक फरियादी की समस्या सुनकर सीएम नीतीश खुद भी चौंक उठे, क्योंकि फरियादी ने सीएम को बताया कि उनकी पत्नी आंगनबाड़ी सेविका थी। कोरोना काल में उनका निधन हो गया, लेकिन अब तक अनुदान की राशि नहीं मिली है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना से गुजर जाने का सर्टिफिकेट भी उन्हें नहीं मिला है। इसके बाद सीएम नीतीश ने समाज कल्याण विभाग में फोन लगाने को कहा, फिर अनुग्रह की राशि देने के लिए फरियादी को आश्वस्त किया। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को मिलेगा 15,000 करोड़ रुपए। बिहार में पंचायत चुनाव खत्म होने के साथ ही वित्तीय वर्ष 2020-21 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग ने 15,018 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया है, जिसमें पंचायत की 70, पंचायत समिति की 20 और जिला परिषद की 10% हिस्सेदारी होगी। ज्ञात हो इस राशि में 50% स्थापना और कर्मचारियों के वेतन और आधारभूत संरचना के विकास पर खर्च होगा। शेष 50% से बुनियादी आवश्यकता, स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त मद के रखरखाव, पेयजल आपूर्ति और वर्षा जल संरक्षण की योजनाओं को प्राथमिकता देनी होगी। 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि खर्च करने के लिए संबंधित योजनाओं का ही चयन किया जा सकता है। पटना के कंकड़बाग में मोबिलिटी ट्रेनर का हुआ विमोचन। ब्रेन एंड स्पाइन इंजरी सेंटर कंकड़बाग के तत्वाधान में आयोजित निःशुल्क फिजियोथेरेपी कैंप में अत्याधुनिक उपकरण मोबिलिटी ट्रेनर का विमोचन किया गया। इस मशीन से रीढ़ की हड्डी और ब्रेन से संबंधित बीमारी से अपंग मरीज, जिनका की हाथ पैर काम नहीं करता, उनके लिए ये रामबाण की तरह है। इस निःशुल्क कैंप में प्रभात रंजन ने पैरालिसिस एवं लकवा से संबंधित बीमारियों में मोबिलिटी ट्रेनर की उपयोगिता और मरीजों के ऊपर उसके सकारात्मक प्रभाव का भी विवरण किया। इसका लाभ करीब 20 से 25 मरीजों ने उठाया। संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत कुमार ने बताया कि बिहार में इस तरह का यह पहला सेंटर है जहां मोबिलिटी ट्रेनर जैसे अत्याधुनिक उपकरण की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि बिहार के मरीज जो इस तरह से संबंधित बीमारियों के लिए बाहर जाते थे, उसका लाभ अब यहीं बिहार में उठाएं। हाई स्कूल प्लस टू में नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों को अभी और करना होगा इंतजार। पंचायत चुनाव के खत्म होने के साथ ही बिहार में शिक्षा विभाग ने 14 दिसंबर से होने वाले प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसलिंग को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से प्रदेश के हाई स्कूल प्लस टू के शिक्षकों की नियुक्ति पर भी ग्रहण लगता दिख रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाई स्कूल और प्लस टू के लिए 30,020 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली थी। इसमें 29 जुलाई 2021 को पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्थगित किया गया था। अगर हम पूर्व नियोजित स्केड्यूल को देखें तो 10 दिसंबर तक सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नियोजन इकाइयों में खाली पदों के विरुद्ध आए आवेदनों के आधार पर मेधा सूची का निर्माण और उस पर सक्षम प्राधिकार की मोहर लगानी थी, लेकिन अब पंचायत चुनाव की पूरी समाप्ति के बाद ही विभाग पहले प्रारंभिक शिक्षकों के लिए काउंसलिंग आयोजित करेगा, तभी हाई स्कूल शिक्षक अभ्यर्थियों की बारी आएगी। इसके नियोजन कार्यक्रम में अभी तक कई महत्वपूर्ण काम होने बाकी है। दरभंगा आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल में अगले सत्र से शुरू होगी पढ़ाई। बिहार के दरभंगा आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल में अगले शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई की
की शुरुआत होने वाली है, जिसकी जानकारी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग देसी चिकित्सा को विकसित करने में लगा हुआ है। विभाग सालों से बंद सरकारी आयुर्वेद कॉलेज से अस्पताल में पढ़ाई शुरू करवाने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल दरभंगा में सालों से पढ़ाई बंद है। पहले 30 सीटों पर BAMS कोर्स में दाखिला होता था, लेकिन उसके बाद सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने इस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है। दरभंगा आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल में पढ़ाई और चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए शिक्षकों और चिकित्सकों की कमी दूर की जा रही है। 12 शिक्षकों और चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। बंद विभागों और सेवाओं को शुरू करने का काम किया जा रहा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ही प्रदेश में बढ़ी ठंड। बिहार में ठंड का आगमन भले ही इस बार देरी से हुआ हो, लेकिन अब धीरे धीरे करके ठंड अपना असर दिखाने लगा है। यही कारण है कि प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ही प्रदेश में ठंड का असर भी बढ़ने लगा है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार न्यूनतम तापमान के बीच 2-3 डिग्री सेल्सियस के बीच गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान 10-12 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस के बीच गिरावट देखी गई और औसत तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सबसे न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस समस्तीपुर के पूसा में दर्ज किया गया। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अगले 48 घंटे में 1-2 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। सुबह के समय प्रदेश के 1-2 जगह पर हल्की से मध्यम स्तर का कोहरा और धुंध छाए रहने की भी संभावना जताई गई है। BSSC ने स्थगित की प्रथम इंटरस्तरीय संयुक्त परीक्षा की काउंसलिंग। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 14 दिसंबर से होने वाली काउंसलिंग को स्थगित करने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत आयोग की तरफ से सारी जानकारी भी साझा कर दी गई है। आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार पटना हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने लगभग 13,000 पदों पर बहाली के लिए 53,000 अभ्यर्थियों के चयन का काम कर लिया है। इनकी काउंसलिंग के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 14 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच काउंसलिंग का स्केड्यूल जारी किया था, लेकिन आखिरी क्षणों में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इसे स्थगित कर दिया गया है। इसके पहले इस परीक्षा के अभ्यर्थियों ने आज के दिन आंदोलन की योजना बनाई थी, क्योंकि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने कुछ ऐसी शर्तें रखी थी जिसके लिए अभ्यर्थी तैयार नहीं थे। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए केंद्र का हुआ चयन। जल्द ही बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की शुरुआत होने वाली है, इसको लेकर अब केंद्र का चयन भी कर लिया गया है। बोर्ड की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पटना जिले में इस बार इंटर की परीक्षा के लिए 84 और मैट्रिक परीक्षा के लिए 76 केंद्र बनाने का काम किया गया है। बिहार बोर्ड की तरफ से सभी जिला शिक्षा कार्यालय से परीक्षा केंद्रों की सूची भी ले ली गई है। साथ ही संबंधित DEO की तरफ से इंटर और मैट्रिक के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित कर बोर्ड को भेजने का काम किया गया है। पटना DEO अमित कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की योजना के अनुसार 1-14 फरवरी तक इंटर और 17-24 फरवरी 2022 तक मैट्रिक परीक्षा लिया जाना है। इस वर्ष इंटर में 1500 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाने की उम्मीद है। बिहार में अब यहां कई सेलिब्रिटी के साथ पीएम मोदी को लग गया टीका। बिहार में लगातार कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग के अजब गजब कारनामे सामने आ रहे हैं। हाल ही में बिहार के अरवल जिले में वैक्सीन लेने वालों की सूची में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और प्रियंका चोपड़ा जैसी कई हस्तियों के नाम सामने आए थे, जिसके बाद अब सहरसा नवहट्टा PHC से जुड़े वैक्सीनेशन के सेशन साइट वैक्सीन लेने वालों की सूची में कई तरह की गड़बड़ियां उजागर हुई है। जानकारी के अनुसार इस कंप्यूटराइज्ड PDF फाइल में पीएम नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सेलिब्रिटी राखी सावंत, रणवीर कपूर, रानू मंडल, SP लिपि सिंह को 24 अक्टूबर को फर्स्ट डोज देने की बात कही गई है। जैसे ही गड़बड़ियों की सूचना सामने आई, लीपापोती भी अब शुरू हो गई है। गणतंत्र दिवस पर दिखेगी बिहार झारखंड के NCC कैडेट्स के समूह नृत्य की झांकी। साल का आखिरी महीना अब अपने समापन की तरफ है, जिसके बाद नए साल की शुरुआत हो जाएगी और गणतंत्र दिवस भी आएगा। यही कारण है कि गणतंत्र दिवस को लेकर अभी से ही तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर दिल्ली में खास तैयारी हो रही है। सबसे खास बात यह है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार NCC के बिहार झारखंड के 6 समूह के बीच कैडेट्स के चयन का काम किया जाना है। इस दौरान दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रम में 20 कैडेट्स का समूह नृत्य की झांकी दिखाई जानी है। इस बाबत NCC लेफ्टिनेंट डॉक्टर ममता रानी ने भी अपनी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार झारखंड के 6 समूह से 20 बच्चों का चयन हुआ है, जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में अपना परफॉर्मेंस करेंगे। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जिस तरह से तैयारी बच्चों ने की है, बिहार और झारखंड का मान जरूर बढ़ाएंगे। पत्नी रचेल के साथ पटना पहुंचे तेजस्वी, मामा अभी भी है नाराज। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ पटना पहुंच गए हैं। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो तेजस्वी अपनी पत्नी के साथ बीती रात करीब 1 बजे पटना पहुंचे हैं।
इसके साथ ही दोनों पति पत्नी आज महावीर मंदिर में दर्शन करने भी जा सकते हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पटन देवी मंदिर भी जा सकते हैं। इस शादी को लेकर मामा साधु यादव पूरी तरह से शुरू से ही गुस्से में नजर आए हैं। लालू राबड़ी दोनों पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि राबड़ी देवी ने बहु भोज देने की बात कही है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने बचपन की दोस्त रचेल से शादी की है। ये शादी दिल्ली में चट मंगनी पट ब्याह की कहावत की तरह शुरू हुई और उसी तरह समाप्त हो गई। इस शादी में परिवार के करीबी रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया गया था। बिहार में इतने दिनों तक बंद रहेंगे बैंक। अगर आपको भी आने वाले दिनों में बैंक से संबंधित काम है तो जल्दी निपटा लें, क्योंकि इसी हफ्ते बैंकों की हड़ताल शुरू होने वाली है, जिसका प्रभाव कम से कम 4 दिनों तक रहने वाला है। पटना में बैंकों के यूनियन ने दावा किया है कि उनकी हड़ताल में भारतीय स्टेट बैंक के साथ ही तमाम सहकारिता बैंकों और अन्य बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंककर्मी 16-17 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे। मंगलवार को बैंककर्मी बैंकों को निजी हाथ में जाने से बचाने के लिए प्रधानमंत्री को ऑनलाइन प्रार्थना पत्र भेजेंगे। पत्र के माध्यम से बैंकों को निजी हाथ में जाने से बचाने की अपील की जाएगी। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के राष्ट्रीय सलाहकार सुनील कुमार ने बताया कि हड़ताल होना तय है। देश भर के सभी बैंक कर्मियों के साथ बिहार के सभी बैंक के कर्मचारी और अधिकारी भाग लेने जा रहे हैं। विजय हजारे में बिहार को मिली दूसरी जीत। बीसीसीआई के तत्वाधान में जयपुर में प्लेट ग्रुप के खेले जा रहे विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार लगातार जीत हासिल कर रहा है। बिहार ने सिक्किम को 7 विकेट से पराजित कर लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। बीसीए मीडिया कमेटी के संयोजक कृष्णा पटेल ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि सिक्किम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और निर्धारित 50 ओवर में लियान खान ने 31 रन, पालजो ने 31 रन और कार्तिक सीए के 28 रन और पंजाब कुमार के 23 रन की छोटी छोटी भागीदारियों के सहारे 9 विकेट खोकर 193 रनों का स्कोर खड़ा किया और बिहार के सामने जीत के लिए 194 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी बिहार की टीम 36.5 ओवर में 3 विकेट खोकर 194 रन बनाते हुए एक आसान सी जीत दर्ज करते हुए सिक्किम को 7 विकेट से पराजित कर 4 अंक हासिल करने में कामयाब रही। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अंकित कुमार, शंकर मुखिया, नीतीश कुमार, अजय कुमार, ऋतिक कुमार, गणेश कुमार, साबिया खातून, संतोष कुमार, कविता कुमारी, दीपक कुमार, मुकेश कुमार, विजेंद्र कुमार पासवान, सावरिया एंटरटेनमेंट, मनीष कुमार, पूजा कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बीते कुछ दिनों से बढ़ रहे मामलों के बीच क्या आपके आसपास लोग कोरोना के बचाव को लेकर नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।